18 जून 2017 भारतीय खेल इतिहास के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन भारत के तीन बड़े मुकाबले हुए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल पूल मैच अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और इंडोनेशियन सुपर सीरीज भारत के किदंबी श्रीकांत वर्सेस जापान के कुजुमासा सकाई। इन मुकाबलों में भारत में धर्म माने जाने वाले क्रिकेट के मुकाबले में भारत अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से परास्त हुआ। इस हार के सदमे को भारत के क्रिकेट प्रेमी सह नहीं पाए और उनका गुस्सा टीवी तोड़ने से लेकर भारतीय खिलाड़ियों को बुरा भला कहने तक टूटा। फाइनल हारने से ज्यादा दुख और गुस्सा पाकिस्तान से हारने पर आया। पर अगर देखा जाए तो उसी दिन भारत ने पाकिस्तान को हॉकी में 7-1 से हराया था और किदंबी श्रीकांत ने भी अपना अंतिम मुकाबला जीत लिया था। वैसा करने वाले वो भारत के पहले शटलर थे, लेकिन हॉकी और बैडमिंटन की जीत पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्या वो लोग भारत के लिए नहीं खेल रहे थे? क्या इस देश में क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा खेल खेलना पाप है? इस देश की मीडिया ने भी हॉकी और बैडमिंटन की जीत पर चर्चा करने की बजाय क्रिकेट की हार पर ज्यादा चर्चा की। ही मीडिया और भारत के लोग हर 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक में भारत स्वर्ण नहीं जीत पाता तो खिलाड़ियों की आलोचना करते नहीं थकते। अगर हम बाकी खेलों के खिलाड़ियों को जीत पर भी समर्थन नहीं देंगे, उनका उत्साह नहीं बढ़ाएंगे और उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे तो कहां से गोल्ड जीत पाएंगे? इसे चीन और अमेरिका से ओलंपिक में मुकाबला कर पाएंगे? आखिर में जाते वक्त यही कहना चाहूंगी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के गिरते विकेट को देखकर भारतीयों को जितना दुख हो रहा था, अगर उतना ही दुख सरहद पर शहीद होते जवानों के लिए होता तो आज शायद पाकिस्तान नहीं होता।